ऑस्ट्रेलिया वालों आपने तो सत्यानाश कर दिया यार। हमने सोचा मैच अच्छा होगा, आप बड़ी तेजी के साथ कल रन बना रहे थे, हमने सोचा 200-300 का टारगेट दोगे, मैच कम से कम चौथे दिन तो जाएगा, आपका तो पता नहीं चला कब पी के लुढ़क गए। अफरीदी बुरादर ये तुम कैसा बात करता, हम कुछ नहीं पीता पीता, ये जड्डू पता नहीं कुछ पी के आया था, पेक पेक लगा के आया था, 7-7 विकेट हमारा उड़ा डाला, और तो और 1.25 घंटे के अंदर अंदर हमारी 9 विकेट आज इन्होंने खिलास कर दी, इंडिया वालों ने पता नहीं क्या पिया। अबे चुप करो ऑस्ट्रेलिया वालों, हमने कुछ नहीं पिया था, पहले हम वैसे ही आपको बच्चों की तरह खिला रहे थे, हमने सोचा चलो मेहमान है, पहली पारी में कुछ रन बनाने दिए थे, दूसरी पारी में हमने अपनी गेंदबाजी की, कैसे फिर आपको आउट किया आपके बल्लेबाजों का पता ही नहीं चला। ऑस्ट्रेलिया वालों कुछ शर्म कर लो यार, ये टेस्ट मैच खेल रहे हो क्या कर रहे हो, ससुर की नाती तीसरे दिन ही मैच खिलास कर रहे हो, और तो और तीसरा दिन भी नहीं पूरा कर पा रहे हो, टी ब्रेक से पहले पहले हार जाते हो, हर मैच क्या कर रहे हो यार, शर्म। अफरीदी भाई आप तो चुप करो यार, खामखा बीच में मजे लेने आ गए, एक तो हम भैया दूसरा मैच भी हार गए, पहले मैच में भी हमारे साथ यही हुआ था, ऊपर से तुम आ गए हो जले पे नमक छिड़कने, यार तुम कुछ शर्म कर लो, हमको हौसला दो, तुम हमारी बेइज्जती करने पर तुले हुए हो। उस्मान भैया क्या तुम्हारी हौसला अफजाई करे, तुम घटिया खेले, तुम्हारे में हाल ही नहीं है, पहले मैच की तरह आज दूसरे मैच में भी दूसरी पारी में लुढ़क गए, इसी तरह तुम की भैया करारी करारी बेइज्जती करेंगे, फिर ही तुम लोगों की अकल टिकाने आएगी और बढ़िया खेलोगे। अफरीदी भाई छोड़ो इनको, इनकी जितनी मर्जी तुम बेइज्जती कर लो, इनका बस चलने वाला नहीं है, क्योंकि भैया ये इंडिया की गेंदबाजी और बल्लेबाजी है, जितना मर्जी से जोर लगा लें इधर से तो ये 4-0 से हार के जाएंगे, हर मैच तीसरे दिन ही खत्म होगा। और बस करो इंडिया वालों, अब हमको भी पता चल गया है कैसे गेंदबाजी करनी, अब देखना तीसरा और चौथा टेस्ट मैच हम जीतेंगे, सीरीज 2-2 से हम बराबर करके जाती, समझ जाती ना, तुम ये भूल में मत रहना कि तुम बाकी मैच जीत पाओगे। अबे चुप कर नाथन लाइन के बच्चे, आपसे कुछ नहीं होगा, अभी तो तुम पर झड्डू भारी पड़ रहा है, तुम सोचो जब मेरी बॉलिंग चलेगी तुम्हारी तो फट जाएगी, तुम्हारी टीम से 20 रन बनाना पूरी पारी में, दोनों पारियों में 50 रन भी बनाना मुश्किल हो जाएगा। देखो इंडिया वालों अब ज्यादा हमारा दिमाग मत खराब करो, एक तो इतना बुरे तरीके से दूसरे मैच में भी हमको आपने फेंट डाला भैया, अब कुछ शर्म कर लो, वरना हमको सचमुच गुस्सा आ जाएगा ना, तीसरे चौथे मैच में हम बदला जोरों से लेके दिखाएंगे आपसे। अबे चुप कर ऑस्ट्रेलिया वालों, ये आपकी बस की बात नहीं, विराट कोहली के होते हुए अभी तो विराट कोहली का बल्ला चला नहीं, आगे दो मैचों में मेरे डबल और ट्रिपल शतक देखना, तुमको भैया इधर से 4-0 से टोकर भेजना है, तुम्हारी मेहमान नवाजी करनी है, समझ गए ना। कोहली बुरादर तुम जीत तो सकता है, लेकिन ये तुम्हारा सपना पूरा नहीं होता कि तुम आधा शतक भी नहीं लगा सकता, भैया इधर हमारी बॉलिंग भी बढ़िया होती, लेकिन अब हम पूरी पूरी कोशिश करता, आगे वाला मैच इससे बढ़िया खेल के दिखाता तुम लोगों को। ऑस्ट्रेलिया वालों आपसे कुछ नहीं होगा, हमको पता चल गया है, तुम्हारा हाल हमने देख लिया है, रोहित भैया जिस तरह से पहले दो मैचों में इनको ठोका है ना, बाकी दो मैचों में भी इसी तरह इनको ठोको, बल्कि इससे भी बढ़िया करके ठोको, ताकि ये ऑस्ट्रेलिया वाले दोबारा इंडिया की तरफ रुख ना करें। अफरीदी भाई आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप जाके सो जाइए, बाकी दो मैचों में भी इनका यही हाल करेंगे, ये इंडिया का रुख करने की दूर की बात, ये सपने में भी इंडिया का नाम सुनेंगे ना तो इनकी सुसु निकल जाया करेगी, ऐसा हाल करने वाले हैं। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।